हाँ तो गाइज आज अपन आ चुके हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोमोज खाने। जो भी इसे 3 मिनट में ख़त्म करेगा उसे मिलेगी एक बुलेट बाइक। तो ये भैया हमें एड्रेस बताएंगे कहाँ पड़ता है। ये रेड चिली पाव मोमोज पुरानी बस्ती लिली चौक में पड़ता है, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट मोमो बनाता है। अच्छा, ये एग्जैक्ट बुरा तालाब के पास है। अच्छा, और ये आप सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी आ सकते हैं और आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा चलिए भैया इसे स्टार्ट करते हैं, आखिर बनता कैसा है ये देख सकते हैं। ये रेडी हो चुका है। ये कोई पराठा नहीं है ना कोई रोटी नहीं है, ये बनने वाला है मोमो, जो कि ये एक ही मोमो उसका स्टफिंग है और इस पर एक ही बनेगा, ना कि 10 से 15 मोमो। सबसे बड़ा मोमो बनेगा ये देख सकते हैं। ये पूरा इसके बाहर निकल जा रहा है रोल करते करते, पूरे भैया की ताकत लग जा रही है इसे बेलने में। देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ये भैया, जरा इसे उठा के दिखाओ कितना बड़ा मोमो बनने वाला है ये। ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा है ये। चलिए भैया तो ये देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है, बेला के पूरा। अब इस पर स्टफिंग होने जा रही है। ये क्या डाल रहा है? शेजवान राइस। अच्छा ये शेजवान राइस है। शेजवान राइस है और इसके नीचे है वेज हक्का नूडल्स। अच्छा हाँ, ये एक शेजवान राइस है, इतना पूरा कोई भी एक खाएगा तो इसका पेट फुल हो जाएगा। हाँ, ये वेज हक्का नूडल्स। ये वेज हक्का नूडल्स है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी पे है, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर आएगा आप, इसके अंदर आने हैं ये वेज मंचूरियन देख सकते हैं आप। इसका क्या डालेगा भैया? वेज मंचूरियन के बाद कौन चिली, दोनों मिक्स है। ये कौन चार आइटम रहता है, जबरदस्त लगेगा। अच्छा ये चार आइटम डल चुकी है, ये एक मोमोज के अंदर ये चार आइटम डलती है, जो कि आप बाहर अकेले भी खाने जाएंगे इसे तो चार आइटम भी इतने में नहीं मिलेगी, 250 रुपीज में ओनली। अब ये पैक होने जा रहा है, ये पूरा एक मोमो का सेप दे देंगे क्या? आप ये मोमोज का सेप देने जा रहे हैं भैया, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं ये मोमो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको स्टीमर पे डाल, तो ये देख सकते हैं ये पूरा प्लेट से बड़ा मोमोज लग रहा है मेरे को। तो भैया इसे जरा उठा के दिखाइए, ये देख सकते हैं ये भैया के फेस से भी बड़ा मोमोज है, ये काफी बड़ा है भैया, काफी बड़ा। देख सकते हैं ये स्टीम होने आ चुका है, अभी से स्टीम करने डाला जा रहा है। तो भैया वैसे ये इसे स्टीम होने कितना देर लगता है? ये आधा घंटा लगता है। अच्छा ये आधा घंटा लगता है, पूरा प्रॉपर बनने में 1 घंटे का रहता है, पर स्टीम में सिर्फ इसको आधा घंटा लगता है। अच्छा चलिए इसे बंद करने जा रहा हूँ, देखते बनने के बाद कैसे लगता है। तो गाइस देख सकते हैं ये अपना वर्ल्ड द बिगेस्ट मोमोज बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसको देखते हैं कैसे प्लेटिंग होती है यहाँ। चलिए इसे देखते हैं भैया, तो भैया निकाल रहे हैं अभी प्लेटिंग का। देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है, अभी इसे प्लेट पर निकाल रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसे निकाल रहे हैं, वो भैया देख सकते हैं ये भैया के फेस से भी बड़ा मोमोज बन के रेडी हो चुका है। चलिए भैया इसे प्लेटिंग करते हैं। ठीक है फिर से दोबारा नेक्स्ट प्लेट पे क्या? अच्छा ये देख सकते हैं ये वर्ल्ड द बिगेस्ट मोमोज, और यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है, जो ये 3 मिनट पे एक मोमोज ख़त्म कर देगा उसे 1 रॉयल इनफील्ड बुलेट मिलेगी। ये क्या चीज़ है भैया? अच्छा ये शेजवान चटनी है। तंदूरी मैनिस, ये तंदूरी मैनिस है ये। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से गार्निश होते जा रही है, ये सबसे बड़ा मोमोज लग रहा है मेरे को, दुनिया में सबसे बड़ा मोमोज है ये भैया बता रहे, जो कि रायपुर पे है, छत्तीसगढ़ रायपुर पे। ये कौन सी चटनी है भैया? हरी चटनी। ये हरी चटनी क्या से बनती है वैसे ये हरी चटनी? पुदीना पत्ता और आपका धनिया, दही पुदीना पत्ती और धनिया, ये सब से बनती है ये हरी चटनी। तो ये बन के रेडी हो चुका है, अब अपन इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसे लगता है। तो
और ऐसे रायपुर आइए तो जरूर टेस्ट करिए, मुझे जरूर बताइए आपको ये कैसे लगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे नेक्स्ट टाइम।